तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडानी विनमार्ट शेयर के बारे में। साथ ही दोस्तों बोनस के बारे में भी बताएंगे, क्या आप लोगों के लिए बोनस है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और मैं देखिए ऐसे टाइम पे आप लोग के साथ शेयर करता हूँ जहाँ की आप जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं एट एम टाइम, ठीक है। तो मैं आपको सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देखते जरूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अडानी विनमार्ट में देखिए मैं यहाँ क्या यूज़ करता हूँ और क्या यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए, देखिए मैं जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं आपको आज से पहले भी जब वीडियो बनाया था उसमें बता दिया है ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए आप लोग और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लीजिए। और मैंने उस भी वीडियो में बताया था और मैं आज भी वीडियो में यही बताऊंगा कि देखिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। जो भी फ्रेश बाई कर रहे हैं या फिर जो पहले से बाई किए हुए हैं, देखिए मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हमें जैसा कि मैंने बताया इस यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो अच्छी बात है सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन बार बार तो इसी रेंज में आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेंज है, ये बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है, तो एक ही जब रेंज में ट्रेड कर रहा है तो हम क्या इसमें एंट्री बनाएं, सोचने वाली बात है। लेकिन हम कब बनाएंगे एंट्री वो भी मैंने बता दिया है आज से पहले भी, तो मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए मैं यूज़ क्या करता हूँ, मैं 55 EMA को मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्लैक लाइन। आप भी EMA यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर में जाइएगा, ठीक है। EMA सर्च करना है आप लोगों को और वहाँ सेटिंग में जाना है, वहाँ पे 9 होगा पहले से, ठीक है, उसको कर देना है आपको 55। जैसे ही 55 करोगे ना तो आपके सामने ये जैसे ब्लैक लाइन है ये आपके सामने शो होने लगे इस तरह से। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा कि ये ब्लैक लाइन एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जैसे ही मार्केट जाता है ऊपर तो इस ब्लैक लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, आप लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो हमें कहाँ से जो है एग्रेसिव ट्रेडर होना चाहिए या एग्रेसिव हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, तो सारा जवाब है कि 55 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर अच्छा से ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, आप जो है इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ कहीं पे बाय करते तो होगा क्या, आप फिर जैसे मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए आप कर सकते हैं बट आपको स्विंग ट्रेडिंग एक पोजिशन ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर एक सही तरीके से ट्रेड कीजिए तो ही अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम जो बात करते हैं वो क्या बोनस है मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो देखिए। दोस्तों मैं एक स्टॉक्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी तगड़ा रिटर्न देगा आने वाले समय में, तो ये है लाइंड इंडिया, ठीक है। तो इस स्टॉक्स में देख सकते हो 2.5% का यहाँ पे एक दिन में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है, इसका रीज़न भी बात करेंगे और कब तक ये स्टॉक्स इस तरह का रिटर्न देगा तो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो देख सकते हो मैंने एक लंबे टाइम फ्रेम पे इसे इस चार्ट को लगाया है। अब दोस्तों मैं अगर इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे इसे लगाता हूँ तो ज़्यादा यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको मिलेगा, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम जितना लंबे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे उतना ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल शेप में यहाँ इसका जो है ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। और कैसे हम समझेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम ज़्यादा है, कैसे हम कंपेयर करेंगे कि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले कई दिनों से वॉल्यूम देखिए कहाँ पर से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस ब्लू लाइन के नीचे ही है, लेकिन अभी जो है हाल ही में दो कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, वॉल्यूम इस प्रीवियस कैंडल के काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो दोस्तों अब यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे है, और देखिए एक तो हमारा ये हमको जो है यहाँ पे वॉल्यूम पता चल गया कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, यानी कि कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड हो रहा है। साथ ही दोस्तों हमारा एक स्ट्रेटजी है जो मैं स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेटजी फुलफिल हो रहा है, वर्क कर रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। अब ये कौन सी स्ट्रेटजी, अगर आप हमारे चैनल को पहले से विजिट कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये जब स्ट्रेटजी वर्क करती है तो 90% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलते हैं, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर रही बात हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, मार्केट जैसे ओपन होगा तो मार्केट जो है इस अपने हाई को जो है इस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा सेकेंड कैंडल,
तो वहाँ पे आपको एंट्री बना लेना है, ठीक है। तो लेट से अभी मार्केट 3443 रुपये के अराउंड है, तो इसका हाई के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री होगा, 3464 रुपये का एंट्री होगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस बताता हूँ, प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा, यानी कि 2338 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट की हम बात करें तो टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ टारगेट क्या रहने वाला है। तो वन सेकेंड मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 3642 रुपये का रहेगा, देन सेकेंड टारगेट की यहीं पे बात कर ले 3790 रुपये का, ठीक है। थर्ड टारगेट की बात कर ले तो थर्ड टारगेट में यहाँ पे हमें जो है इसके हाई को पकड़ेंगे और 4067 रुपये का हमारा जो थर्ड टारगेट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लगाओगे तो काफ़ी फेवरेबल बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको लॉन्ग पोजिशन में करके दिखाता हूँ। और लेट्स से मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाया है, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, प्रीवियस कैंडल का मैंने लो रखा और अगर इसको R3 तक अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना बैठ रहा है, 1:4 बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1:4 अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप ये काफ़ी अच्छा स्टॉक से आप इसमें जा सकते हो। इसी तरह के और भी ब्रेकआउट वाले ट्रेड जो भी है मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक लगातार लाता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।